प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। इन दिनों कितने जाली काम होते हैं ये इस बात से एक बार फिर साबित होता है कि गुरुवार को एक व्यक्ति किसी दूसरे के फॉर्म पर किसी तीसरे की फ़ोटो लगाकर उसका पक्का लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ अधिकारी को धमकाता है। एक गलत काम, ऊपर से धमकी, ये कहीं ना कहीं गलत काम करने वालों का जो बढ़ावा हो रहा है उसका नमूना है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आरटीओ दफ्तर में जलगांव के। दरअसल मामला जो है वो स्वयं जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है गुरुवार को भुसावल में, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से और क्या हुआ जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज कराई गई। सर, मामला क्या था, क्या हुआ था वहाँ पे और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो क्यों हुई है? भुसावल में कैंप में जब ड्राइविंग टेस्ट चल रहा था, ड्राइविंग टेस्ट के समय जो एप्लीकेशन हमारे सामने आया, वो एप्लीकेशन पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है उस पर फ़ोटो प्रिंट ऑलरेडी रहता है, उसमें अलग से फ़ोटो चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक फ़ोटो चिपका हुआ है दूसरे आदमी का, तो मुझे डाउट आया, तो इसलिए मैंने उसको आई कार्ड के लिए पूछा। आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ है, डॉक्यूमेंट्स देखे उसके, तो मुझे शक आया उस पर कि कुछ तो भी गड़बड़े। तो तभी समझ में आया कि वो फ़ोटो के जो पहला फ़ोटो था उसके ऊपर दूसरा फ़ोटो चिपका के एक तीसरा ही व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है। इसके बाद वहाँ पे आपके साथ धमकाया भी गया, आपको गाली गलौज भी की गई? नहीं, तो गाली गलौज है नहीं, उससे ये मेरा काम कर दो नहीं तो मैं आपको देख लूँगा। हाँ, ये लैंग्वेज में बोला। सर, कौन है ये लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या वो एजेंट हैं, क्या है वो एजेंट, वो कौन है वो पता नहीं है हमको। अभी ज्वाइन करके यहाँ पे 2 महीने हुए, ये भी नए आए हैं यहाँ पे। और मेरे पास जो कैंडिडेट आया था, जो एप्लीकेंट आया था एप्लीकेशन लेके, मैंने भी वही देखा कि फ़ोटो पे एक फ़ोटो चिटका हुआ है, तो मैंने कैंडिडेट को पूछा कि वही तुम्हारा, और मैंने जो एप्लीकेशन था उसके साथ उसका एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ कुछ नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने उस पर जो क्यूरी थी वो पेपर पर लिख के दी कि तुम ये पूरा क्यूरी करके लेके आओ मेरे पास एप्लीकेशन, और मैंने एप्लीकेशन उसको वापस रिजेक्ट कर दिया उसके पास। उसके बाद वो वापस आया ही नहीं, और उसके बाद वो एप्लीकेशन कोई तीसरा आदमी लेके आता है जिसका हमने कभी देखा नहीं कि उधर, वो लेके आता है और हमको बोलता है कि ये पेपर आप इनको बोला, इनके पास दिया पेपर और इनको बोला अप्रूवल किया, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा पेपर आया है। तो हमने ऑफिस में आके ये सब वेरीफिकेशन कर लिया कि पेपर का एप्लीकेशन नंबर जो अभी सॉफ्टवेयर है सारथी, उसमें हमने सब ये चेक करके देखा, तो ऊपर का फ़ोटो नीचे का फ़ोटो इज कम्प्लीट डिफरेंट। हाँ, तो फिर हमने ये बात साहब को भी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है सर हमारे पास, अगर ये काम हमारे से गलती से अगर हो जाता तो हम किसको जवाब देते। सर, आपने जब वेरीफाई किया तो जो लोगों का फॉर्म था क्या वो यहाँ आपके सामने मौजूद थे या कहाँ थे वो लोग? जिनका फ़ोटो चिपकाया हुआ था वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो फोटो के नीचे जो असली कैंडिडेट था, उम्मीदवार था, वो शायद वहाँ पे नहीं था, वो हमारे सामने नहीं आया। आपने पता करने का प्रयास किया कहाँ के हैं, कहाँ थे? कांटेक्ट करने का उनको प्रयास किया हमने, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। सर, जो लोग आपके पास आए या जो कंप्लेन की उनका नाम बता पाएंगे आप? कौन लोग? जिनके नाम से आपने कंप्लेन की है। हाँ हाँ हाँ, उनका पूरा नाम तो नहीं पता, मगर हम पहचान लेंगे, पहचान लेंगे उनको। मेरे पास डॉक्यूमेंट है आपकी एफआईआर की कॉपीज, इस कॉपी के अनुसार राजेश सिंधी सुक्का ऐसा कुछ नाम है, गणेश ढेंगे करके एक नाम है, और जो तीसरे उम्मीदवार जो लोग थे उनका आपको पता नहीं है। देखिए, ये लोग यहाँ पर धूप में बैठ के लोगों के काम कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से कोई फॉल्स काम करता है तो उसकी सारी जिम्मेदारियाँ इनकी होती है, और अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति का गलत लाइसेंस बनता है और उस व्यक्ति के हाथों कुछ बड़ा कांड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी इनके ऊपर आती है, और चूंकि ये सरकारी अधिकारी हैं इसलिए सारा जोर इन्हीं के ऊपर आजमाया जाएगा। आपको पिछली बातों को कुछ याद कराते चलूं, कुछ सालों पहले नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इनका एक नकली लाइसेंस पाया गया था, इस बारे में रामानंद पुलिस स्टेशन में जुर्म भी दर्ज किया गया था। अब आपको इन सब चीज़ों का
जोड़ बताता हूँ। अभी फिलहाल BHR का एक मामला चल रहा है, RTO दफ्तर से कैसे सारी चीज़ें जुड़ी है इसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। BHR उसके अंदर जो आरोपी है सुनील झंवर, उसका खुद का रमेश मोटर ड्राइविंग ये स्कूल है जो RTO दफ्तर से जुड़ा हुआ है। गणेश ढेंगे ये जो हैं, जब थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो लोगों का ये कहना है कि सुनील झंवर जी से इनके अच्छे खासे संबंध है। अब आपको ये बताता हूँ कि हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो जो लाइसेंस नितिन गडकरी का बना था, वो लाइसेंस जो देवेंद्र फडणवीस का बना था उस पर स्टैंप लगाए गए थे, चूँकि उस वक्त पेपर के लाइसेंस बना करते थे। सुनील झंवर जो है उनके पास बहुत सारे स्टैंप्स मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ बैठाया जा सकता है कि ये जो स्टैंप्स उस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स पे लगे हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शायद उनके कार्यालय से बना हो। तो पुलिस ये जांच करेगी, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि कहां क्या किस तरीके से सब कुछ सीज रहा है। BHR जो घोटाला हुआ है उसके अंदर नाम आ रहा है छगन कोरड़े का, छगन कोरड़े ने कोई BHR की प्रॉपर्टी ली है। अब ये भी बताते चलूँ कि वो भी RTO दफ्तर से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो RTO दफ्तर में काम किया करते हैं और ये लोग पिछले 10-15 सालों से इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो RTO दफ्तर का ये जाली जो लाइसेंस बनाया जा रहा है या उस वक्त बनाया गया था देवेंद्र फडणवीस और गडकरी का, अभी पुलिस को तो इन लोगों की ये जो नाम दिए गए हैं जो लोग इनके पास कल भुसावल आए थे उनके साथ पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार उस वक्त जो जाली सर्टिफिकेट बना था वो भी कहीं इन्होंने ही तो नहीं बनाया था, देखना चाहिए। पुलिस जब जांच करेगी तो सभी को विश्वास है कि सही तरीके से सारी जांच सामने आएगी, लेकिन RTO दफ्तर BHR इन सब को अब जोड़ा जा रहा है और अब कहीं ना कहीं इस तरीके के फर्जी जो काम हो रहे हैं वो बहुत दूर तक जा सकते हैं इसका भी अनुमान है। इन लोगों ने अपनी ड्यूटी की और ये अगर वो ड्यूटी नहीं करते थे तो कोई बड़ी घटना भी अंजाम दी जा सकती थी। तो हम तो सभी लोगों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लोगों को आपने कहीं ना कहीं सामने लाया, और पुलिस को लोग जनता डिमांड ही करेगी कि पिछले जो नितिन गडकरी और फडणवीस का जो मामला था लाइसेंस का जो बाहर नहीं आया है अभी तक, फिलहाल पकड़ में नहीं आया कोई, उसको भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। RTO के एजेंट्स जो थे जो ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं झंवर, उनके पास काफ़ी सारे सिक्के मिले थे तो जोड़ना चाहिए स्टैंप्स के साथ, क्योंकि उस वक्त जो था वो स्टैंप ही लगा था। देखना है कि पुलिस इस बारे में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल तो भुसावल में जो ये जुर्म दर्ज करवाया गया है उसकी जाँच भी पुलिस ही करेगी और देखना है कि इसमें आगे क्या निकल के आता है। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।